एम्प्रेस मार्केट एक तारीखी अहमियत की हामिल इमारत है। 1839 में एम्प्रेस मार्केट को कैंप बाजार कहा जाता था। मार्केट का नक्शा इंजीनियर मिस्टर जेम्स ने तैयार किया था। 10 नवंबर 1884 में इस इमारत का संग बुनियाद गवर्नर बम्बई सर जेम्स ने रखा। ये इमारत जोधपुरी सुर्ख पत्थर से तामीर की गई है। इसके टॉवर की ऊंचाई 140 फीट है। मार्केट में 4 गैलरियां हैं। उसका दरमियानी हिस्सा 130 फीट तवील और 100 फीट चौड़ा है। कराची में सबसे बेहतरीन मार्केट अगर होलसेल की है तो वो इम्प्रेस मार्केट है। मार्केट में 280 स्टॉल्स की जगह तामीर की गई थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। 133 ईयर्स हो गए इसको, 133 साल। अब ये ब्लॉक तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, उसको रिपेयर तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा इसको चेंज करेंगे तो फिर वो तारीखी मामला ख़त्म हो जाएगा। इस इमारत का 1857 की जंग आज़ादी से भी ताल्लुक बनता है। 1857 में कराची में मुकीम बरतानवी फौज की 21वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने रामदीन पांडे की क़यादत में एक मंसूबा तश्कील दिया, जिसके मुताबिक एक रात को 21 रेजिमेंट के सिपाहियों को पूरे कंटोनमेंट पर कब्जा करना था और अंग्रेज फौजी अफसरान का कत्ल करके आज़ादी का बाकायदा ऐलान करना था। लेकिन 21वीं रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ मुखबिरों ने इसकी इतला अंग्रेज सरकार को दे दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने रातों रात रामदीन पांडे और उसके साथ मंसूबे में शामिल 14 बागी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। 13 और 14 सितंबर 1857 की दरमियानी शब उन बागियों को जंग आज़ादी की हिमायत में हिस्सा लेने पर एम्प्रेस मार्केट के मकाम पर खाली मैदान में सरेआम फांसी दी गई, जबकि रामदीन पांडे समेत 3 बागियों को तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। हुआ यह था कि उस वाकये के बाद मकामी लोग रात की तारीकी में यहाँ आते थे और उस मकाम पर गुलदस्ते रख के चले जाते थे। ये सूरत हाल देखकर अंग्रेज सरकार को ये खदशा पैदा हुआ कि कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता शुहदा की यादगार न बन जाए और किसी नई बगावत का पेश खेमा साबित ना हो, इसलिए यहाँ एम्प्रेस मार्केट तामीर करवा दी गई और अंग्रेज अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा। ब्रिटिश एरा बिल्डिंग है ये, जैसे पाकिस्तान में हर जगह काफी ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स हैं। हमारे ऊपर 100 साल राज किया उन्होंने, अब हम एंजॉय करते हैं इन चीजों को। मेरा दोस्त आया यूके से, तो उसको दिखाना था एम्प्रेस मार्केट का क्या सिस्टम होता है यहाँ पे। इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी कलरफुल, you know, it's very vibrant, there's lots of energy in here. I am really enjoying myself here, yeah. एम्प्रेस मार्केट अब शहर की सबसे मसरूफ बाजारों में से एक है। यहाँ एक छत तले सुई से लेकर खुश मेवे तक तमाम अशिया दस्तयाब हैं। कराची के शहरी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं और खरीदारी करते हैं।